एपिसोड के स्टार्ट में हम मोरोंग को देखते हैं जो स्नेक का पीछा करते हुए ब्लॉसम गार्डन के गेट के पास आ जाता है, जो देखकर वो एकदम ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काइकी आ जाता है, जो उससे कहता है, अरे वाह, आज तो मुझे ब्लॉसम गार्डन के अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया। ये देखकर मोरोंग उससे कहता है, इसका मतलब तुम तब से मेरा पीछा कर रहे थे, ये तो बहुत गलत बात है। काइकी उससे कहता है, अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ कि पिछले 1000 साल में तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो जिसने ब्लॉसम गार्डन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। जो सुनकर मोरोंग को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो अंदर चलते हैं और अंदर से ड्रैगन मैप हासिल कर लेते हैं। तब काइकी उससे कहता है, टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर तो मेरे पास है, तो मुझे तुम्हारी क्या ही जरूरत पड़ेगी उस मैप को हासिल करने के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब मोरोंग उससे कहता है, अगर ये बात है तो ठीक है, तुम ड्रैगन मैप ढूंढ लो, हम हमारे इलाके से निकल जाएंगे और तुम तब वहाँ पर रह सकते हो। जो सुनकर काइकी उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया को भी तुम पर हंसने का मौका मिले। ये सुनकर मोरोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद काइकी उससे कहता है, जल्दी यहाँ से जाओ, तुम्हें अपना सामान बांधने में भी टाइम लगेगा। जिसके बाद वह एक सिग्नल फायर करने लगता है और अपने सारे सिपाहियों को बुलाने लगता है कि हमें ड्रैगन मैप मिलने ही वाला है। लेकिन जैसे वो सिग्नल फायर करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ज़ीकिंग अपने एक स्नेक को भेज देता है, जो ज़ीकिंग के हाथ में काट लेता है और उसके काटने की वजह से काइकी एकदम ज्यादा ही कमजोर होने लगता है। ये देखकर काइकी उससे कहता है, मोरोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो उस पर अटैक करता इससे पहले ही ज़ीकिंग उसे रोक लेता है और फिर उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर काइकी वहाँ से भागने लगता है ताकि पूचेन को भी इन दोनों के बारे में बता सके। तब ज़ीकिंग मोरोंग से कहता है, मुझे इसे मारना होगा, अगर ये जिंदा बच गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस पर मोरोंग कहता है, ठीक है मार दो इसे। इसलिए ज़ीकिंग काइकी के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम शीकी और बाकियों को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए रास्ता भटक जाते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ही जगह गोल गोल घूमने लगते हैं, जिस वजह से वो सभी एकदम परेशान हो जाते हैं और बैठ के सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। तभी उन्हें समझ आता है कि उन्हें आई फॉर्मेशन ढूंढना होगा, वही एक रास्ता होता है कहीं से भी किसी भी सीक्रेट जगह के अंदर जाने का। इसलिए वो सभी दोबारा से हिम्मत करके आगे बढ़ने लगते हैं और इस बार सभी वो आई फॉर्मेशन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने कोई दिखाई देता है जो इनके ऊपर नजर रखे हुए था और इन्हें देखते साथ ही वो वहां से भागने लगता है, इसलिए वो सभी भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ मोरोंग के पास फूचेन और बाकी सभी आ जाते हैं, जहाँ फूचेन मोरोंग से कहता है, तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढ निकाला और साथ ही काइकी कहाँ है। जिस पर मोरोंग कहता है, मैंने उसे नहीं देखा, उसकी स्वॉर्ड तो यहीं पर पड़ी हुई है, मुझे तो लगता है कि शीकी और बाकी ने उसे पकड़ लिया होगा और हो सकता है शायद उसे मार भी दिया हो। जो सुनकर फूचेन एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद सभी उस गेट के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो गेट कुछ ही देर में बंद होने वाला था। इधर हम काइकी को देखते हैं जो ज़ीकिंग से बचते हुए भाग रहा होता है, जहाँ से भागते हुए वो समुद्र के किनारे आ जाता है, जहाँ से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। तब ज़ीकिंग उससे कहता है, अब तो तुम बुरे फंस गए, तुम तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तब काइकी उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दे सकता हूँ, साथ ही तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बस बदले में मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर ज़ीकिंग कहता है, ऑर्डर भी दे दोगे और इनाम भी दोगे, ये तो बहुत अच्छी डील है। जिसके बाद वो उससे टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने जाता है, लेकिन वो उसे लेने से पहले ही पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, मैं इस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को लेकर अपने सर मुसीबत नहीं पाल सकता, इसलिए मुझे ये टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं चाहिए। जो सुनकर काइकी एकदम घबरा जाता है कि अब तो मैं बुरा फंस गया। जिसके बाद ज़ीकिंग अपनी बांसुरी बजाने लगता है और उसके बांसुरी बजाते ही उस समुन्द्र के अंदर से वही बड़ा जायंट स्नेक आ जाता है, जो देखकर काइकी एकदम ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो स्नेक उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसे खा ही जाता है। दूसरी तरफ हम शीकियो और बाकियों को देखते हैं, जिन्हें फेंगलियो कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते हुए वो सभी एक टेंपल के गेट के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद इसी के अंदर फेंगलियो होगा। इसलिए सबसे पहले हान आगे जाती है और जैसे ही वो उस टेंपल के गेट को खोलने वाली होती है, अपने आप ही वो गेट खुल जाता है, जहाँ उसके अंदर से ग्रीन स्मोक बाहर निकलने लगती है। साथ ही एक स्वॉर्ड भी हान की तरफ उड़ते हुए आती है, लेकिन हान उस स्वॉर्ड से बच जाती है और उस स्वॉर्ड को ज़ीकिंग ने ही फेंका था। जिसके बाद वो उस टेंपल के अंदर से बाहर निकल कर आता है। तब हान उससे कहती है, कल रात में तुम ही हमारा पीछा कर रहे थे जिसके पीछे हम गए थे, और तुम्हारा ही पीछा करते हुए फेंगलियो गायब हो गया,
बताओ मुझे कि आखिर वो कहाँ पर है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर ज़ीकिंग कहता है, अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी टेंपल के अंदर है, लेकिन बस मैंने अंदर जहरीले गैस छोड़ दी है, जिस वजह से वो 2 घंटे के अंदर ही मर जाएगा। ये सुनकर हान एकदम ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए उस टेंपल के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जाते ही टेंपल का गेट बंद हो जाता है। इधर लिन शीक्यू से पूछती है कि ज़ीकिंग ने किस तरह का पॉइजन अंदर फैला कर रखा है, जिस पर शीक्यू कहता है, अंदर एक ऐसा पॉइजन है जो इंसान को उसके जीवन के सबसे बुरे पल को याद दिलाता है, जिसे वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब जहर पूरे बॉडी में फैल जाता है तो वो इंसान वैसे ही मर जाता है। ये सुनकर लिन घबरा जाती है, लेकिन इसका हान पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसका ब्लड पहले से ही पॉइजनस है, और एक वही है जो फेंगलियो को बचा सकती है। इधर हम हान को देखते हैं, जो उस टेंपल के अंदर फेंगलियो को ढूंढ रही होती है। तब उसे सामने फेंगलियो दिखाई देता है, जो अपने साथ हुई सबसे बुरी बुरी चीजों को याद कर रहा था, साथ ही वो उन चीजों को भी याद करने लगता है जिसने उसे गुस्सा दिलाया हो। तब हान उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो होश में आ जाता है, जहाँ उसकी आंखें एकदम ज्यादा पर्पल हो गई होती है, और वो गुस्से में एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लीमू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।